चलिए आज एक और निम सेट के नए टॉपर से मिलते हैं, श्रुति गुप्ता से, जो कि कोलकाता से हैं और जिनका ऑल इंडिया रैंक 100 आया है। तो श्रुति, सबसे पहले तो ऑल इंडिया रैंक 100 के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। और सबसे खास बात यह है श्रुति कि आप इम्पीटस से पिछले 2 साल से जुड़ी हुई हैं, रेगुलर जुड़ी हुई हैं, सारे तरीके से आपने पढ़ाई करी है। तो श्रुति, आपकी जो सक्सेस जर्नी है, मैं चाहूंगा आप बताएं थोड़ा सा। आपके साथ लाइफ में कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कई अनएक्सपेक्टेड होती है। मैं आप सबको बता दूं, लिसनर जो भी देख रहे हैं सेशन को, कि श्रुति ने लास्ट ईयर निमसेट दिया था और ऑल इंडिया 225 रैंक थी, पर लास्ट टाइम बाई चांस बैंक लोन में कुछ प्रॉब्लम आया, उस वजह से एडमिशन उस समय नहीं हो पाया। पर फिर से इसने अपने आप को पूरी तरह से तैयार किया पॉजिटिव माइंड के साथ और आज देखिए 100 रैंक है। तो श्रुति, जो आपकी इंटायर जर्नी है, मैं चाहूंगा आप बताएं बच्चों को, क्योंकि वो सुन के कहीं ना कहीं मोटिवेट होंगे। कई बार लोग डरते हैं, आपने इतने हॉट कंडीशन के बाद भी अपने अंदर एक हिम्मत बनाए रखी और आज इतनी अच्छी रैंक अचीव की, तो सक्सेस जर्नी को मैं चाहूंगा आप बच्चों को जरूर शेयर करो। सर जब लोन नहीं हो पाया था तो बहुत ज्यादा डिप्रेस तो हो गए थे, बट फिर आपने और मेरी मम्मी ने सपोर्ट किया बहुत ज्यादा और समझाया कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और इसीलिए फिर से एक बार हम तैयारी किए और ज्यादा रिसोर्सेज और मतलब एक ही बुक को ज्यादा बार करने की कोशिश किए, और जितना भी टेस्ट सीरीज था उसको बहुत अच्छे से थॉरली प्रैक्टिस करने की कोशिश किए और ये अचीव कर पाए। तो श्रुति, ये बताओ, जब आपने वापस मन बनाया तो बीच बीच में स्ट्रेस भी होता होगा, है ना, ये मैं फिर से कर रही हूँ इतनी अच्छी रैंक के बाद भी, आप ये सब, तो जो भी आपको लगता है वो आपकी जो फीलिंग है, क्योंकि कई लोग जब ड्रॉप लेते हैं तो वो डरते हैं कि मैं पता नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, क्या होगा 1 साल, तो उसको आपने किस तरह से फेस किया? सर मेरे को भी बहुत डर लगा था और बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग भी वो जर्नी था, बट सपोर्ट था घर में बहुत ज्यादा, मम्मी बहुत ज्यादा पुश करती थी, और अगर फैमिली नहीं होता, फैमिली का सपोर्ट तो नहीं कर पाते, बट किसी तरह खुद को कंट्रोल वो जो था फीलिंग्स को कंट्रोल किए और फिर आगे बढ़ ही लिए। बिल्कुल सही बात है, फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और फैमिली के सपोर्ट के वजह से हम ये सब कर पाते हैं। अच्छा, ये बताओ, जब आप टेस्ट पेपर देते थे तो टेस्ट पेपर के एनालिसिस को किस तरह से करते थे, क्योंकि अक्सर ये बच्चे जानना चाहते हैं। और दूसरा ये कि आपके अभी 100 रैंक पे कितने मार्क्स हैं? टेस्ट मॉक में तो वही 650-700 के अराउंड रहता था, और जो क्वेश्चंस नहीं आता था उस पर ज्यादा ध्यान देते थे, उसके कंसेप्ट को बहुत डीपली एनालाइज करते थे, और जो फॉर्मूलेज भूलते थे उसको बहुत ज्यादा लिख लिख के प्रैक्टिस करते थे, और यही किस कहाँ गलतियां हो रही हैं और क्यों हो रही हैं उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करते थे, और एक कॉपी में लिख के उसको वापस रिवाइज करते थे। ओके, तो अच्छा ये बताओ, जब टेस्ट में कई बार टेस्ट, क्योंकि इम्पीटस के तो बहुत अप डाउन, बहुत सरप्राइजिंग टेस्ट हुए थे इस बार, तो जब कभी स्कोर डाउन होता था तो क्या मन में थॉट आता था? बहुत कभी कभी बहुत डिप्रेस्ड हो जाते थे, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आते थे तो एक होप भी बन जाता था कि हाँ हम कर सकते हैं, और इसीलिए आप जैसे बोलते थे कि मार्क्स से या रैंक से अफेक्ट नहीं होना है, तो इसीलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था मेरे को। ओके, तो श्रुति, आप ये बताओ, आपका क्योंकि ड्रॉप था, आपने अच्छी मेहनत करी, इतनी अच्छी रैंक फिर से अचीव की, तो आप अपने जूनियर, अच्छा ये बताओ पहले तो, कि अभी निमसेट 24 में आपका कितना स्कोर आया? 533.5 533.5। और दूसरा ये बताओ कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप पहुंचे, अक्सर ये होता है कई बच्चे बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके जाते हैं, फिर भी एग्जामिनेशन हॉल में डर के वजह से गलत कर देते हैं या प्रेशराइज होने की वजह से अटेम्प्ट प्रॉपर नहीं करते, तो आपके अंदर क्या थॉट आया? क्योंकि मैं चाहता हूँ इस बार जो बच्चे 25 के लिए तैयारी कर रहे हैं आगे के लिए, वो अभी से अपने आप को मेंटली किस ढंग से तैयार करें। पिछले बार बहुत ज्यादा प्रेशर था, लेकिन इस बार हम बहुत रिलैक्स होके गए थे और ज्यादा प्रेशर लेके नहीं गए थे, जो होगा सो होगा, बस यही था कि वही आप जो बोलते हैं ना कि पानी नहीं खोने नहीं पाने जा रहे, तो बस वही बात है, वही सोच के गए थे। बिल्कुल सही बात बोली, मैं यही चाह बच्चों को यही चीज कि आप रिलैक्स माइंड से जाओगे, आपकी रिजल्ट आएगा। आपने स्ट्रेस लेके गए, आपका रिजल्ट बिगड़ सकता है। जैसे पिछले बार थोड़ा स्ट्रेस था, रैंक आपकी 225 थी, पर इस बार स्ट्रेस नहीं था, आप 100 रैंक पे आ गए, ये कितना बड़ा अचीवमेंट है। अच्छा, आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली जो गर्ल्स कई बार ड्रॉप लेने से थोड़ा सा घबराती है या उनको टेंशन होता है, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? बस ये बोलना चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ सकते हैं और वो हार्ड वर्क फिर से आप कर सकते हैं, और अगर आपको
आपने ठान लिया है कि आप वही करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको ड्रॉप जरूर लेना चाहिए, क्योंकि वो एक इन्वेस्टमेंट है, वेस्ट ऑफ ईयर नहीं है। बिल्कुल सही बात बोली आपने श्रुति, और आपको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आप NIT में जाके भी ऐसे ही परफॉर्म करो, लाइफ में बहुत आगे बढ़ो, और कभी भी किसी चीज का स्ट्रेस मत लो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आप इम्पिटस के साथ जुड़े हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बस हम उसे फेस कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे ही आगे बढ़ो। वंस अगेंस ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बेटा।